समय आपके बीच में आए होंगे, इन्होंने उस समय बताया होगा कि सरकार की कार्यपद्धति कहां से प्रारंभ हुई। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला कार्य ही किया था किसानों का कर्ज माफी का, और मुझे अनुमान है कि अकेले महाराजगंज जनपद में 1,00,000 किसान परिवारों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लगभग 1,00,000 के आसपास थी संख्या। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब 1,00,000 का मतलब 5,00,000 लोग सीधे सीधे उस योजना के अकेले महाराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए। आज हम प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40,00,000 लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब के सिर ढकने के लिए छत हो जाए, एक आवास उपलब्ध हो जाए, उसके जीवन में एक नई उमंग और एक नई आशा देखने को मिलती है। यह क्षेत्र महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद ऐसे थे जो हर वर्ष 15 जुलाई के बाद से लेकर के मध्य नवंबर तक, जहां पर मस्तिष्क ज्वर से हजारों बच्चों की मौत होती थी, एक से लेकर के 15 वर्ष तक के इन बच्चों का मौत का सिलसिला 1977 से लेकर के 2017 तक लगातार जारी रहा। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग आपको जाति के नाम पर बांटते हैं, जो लोग मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं, इन लोगों ने कभी भी इन सभी क्षेत्रों में होने वाली मौतों पर संवेदना दिखाने का प्रयास नहीं किया। जब उनकी सरकारें थी तब न स्वास्थ्य की सुविधा दी, न शौचालय की व्यवस्था की और न ही पेयजल की व्यवस्था की। 2017 में जब सरकार आई थी 2,61,00,000 लोगों को हम लोगों ने उसके बाद एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, और यही नहीं अब तो हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है, और सामुदायिक शौचालय के साथ एक गांव की महिला लाभार्थी को वहां नौकरी देकर के 6,000 रुपये महीने की देखभाल की व्यवस्था के साथ ये सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक महिलाओं को ऐसे रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जोड़ा है। यानी ये कार्यक्रम, ये स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम जिसमें घर घर शौचालय बनाए गए, इसने स्वच्छता के प्रति आम नागरिक को प्रेरित किया, और इसी के कारण केवल दो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कारण आज मस्तिष्क ज्वर 75 से 80% नियंत्रण हुआ है, और मौत के आंकड़ों को भी हम लोगों ने 95% से अधिक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। अब मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं हो सकती,